सिक्स्थ, अब तो सिक्स्थ है, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स कभी कभी कुछ जगहों पे इन्हें पैरेलल वेक्टर्स भी बोल दिया जाता है, हालांकि मैं बहुत अच्छे से ये बात डिक्लेयर कर चुका हूँ कि वेक्टर में पैरेलल करके कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि पैरेलल तो मैं कभी भी अपने वेक्टर को शिफ्ट कर सकता हूँ। अगर पैरेलल वेक्टर्स नाम दिया गया, अब पैरेलल में देखो दोनों आ गए, एंटी पैरेलल और पैरेलल, पहले बता देता हूँ, कोई ऐसे भावुक नहीं होगा अरे यार तो पागल है यार, पैरेलल मतलब दोनों होते हैं, क्योंकि पैरेलल, अभी मैं समझा दूंगा रुको। ये कोई दो वेक्टर्स हैं, सपोज ये तो इक्वल भी लग रहे हैं वैसे देखने में, तो इसका ये हटाया तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो अब ये कोई पीछे ले जाने से थोड़ी निकल हो जाएगा यार, चंबू है यार। अच्छा ढक्कन को पीछे लगा, नाइस सवास। हाँ अब सही, तो ये कोई दो वेक्टर्स है जो कि इक्वल तो नहीं है, तो इनको पैरेलल बोला जाना या कोलिनियर बोला जाना ये एक ही बात होती है। क्यों? क्योंकि मैंने शिफ्ट करके कभी भी एक के ऊपर एक तो कर ही सकता हूँ, तो वो एक लाइन में तो आ ही जाएंगे, ये नहीं आएंगे, थोड़े मोटे ज़्यादा हैं बट भावना समझो, ये एक लाइन में तो किसी भी दिन आ सकते हैं, तो वो कोलिनियर वैक्टर्स और पैरेलल वैक्टर्स एक ही बात है। तो पैरेलल वैरेलल कहीं यूज़ नहीं होता, नॉर्मली कोलिनियर ही यूज़ होगा, ठीक है। तो टू वैक्टर्स आर सेट टू बी कोलिनियर इफ देयर लाइन ऑफ एक्शन, टू वेक्टर्स आर सेट टू बी कोलिनियर इफ देयर लाइन ऑफ एक्शन और एप्लीकेशन इज पैरेलल और सेम, इज पैरेलल और सेम। Two vectors are said to be collinear if their line of action or application are parallel or same. या तो parallel हो या एक ही हो, तो एक भी तो हो सकती है, क्या पता बी वैक्टर हम यही बना, लेकिन अभी तो हम अलग अलग बनाएंगे, तो इसलिए मैंने बोला कि बी वैक्टर ऐसा भी हो सकता है। बात उनके line of action की है, इनकी line of action अगर parallel है तो ये vector क्या कहलाएंगे, कोलिनियर कहलाएंगे, क्योंकि मैं इस बी वेक्टर को शिफ्ट करके ए वेक्टर पे तो ला ही सकता हूं। ये सपोज मैंने बी वेक्टर लिया, ठीक है क्या? नोट, नोट, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, फर्स्ट इंपॉर्टेंट, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो कोलिनियर वेक्टर्स, आर टू नॉन जीरो कोलिनियर वेक्टर्स, आर टू नॉन जीरो कोलिनियर वैक्टर्स, देन ए वैक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बी वैक्टर एज ए वैक्टर इज इक्वल्स टू लैमडा टाइम्स बी वैक्टर। अगर ए वैक्टर और बी वैक्टर कोई नॉन जीरो कोलिनियर वैक्टर्स हैं, कोई नॉन जीरो कोलिनियर वेक्टर्स, तो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की टर्म में ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स बी वेक्टर लिखा जा सकता है, जहां पे लैम्बडा कोई भी स्केलर क्वांटिटी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो हो सकती। लैम्बडा जीरो क्यों नहीं हो सकता, ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए था, क्योंकि हमने दो नॉन जीरो वैक्टर्स लिए हैं। अगर लैम्बडा जीरो कर देंगे तो ए वैक्टर जीरो हो जाएगा, तो ये तो बकवास हो गया ना सर,
अच्छा व्हाट इज दिस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ऐसे कैसे लिख सकते हो? अरे यार जब हमने स्केलर मल्टीप्लीकेशन में एक बात सीखी थी, व्हाट इज स्केलर मल्टीप्लीकेशन, किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, आप उसके मैग्नीट्यूड के साथ खेलते हो मेनली, ठीक है, या फिर कभी कभार आप उसकी डायरेक्शन को सिर्फ रिवर्स तक कर सकते हो अगर स्केलर नेगेटिव हो गया तो। ये लैम्डा भी यही काम कर रहा है, इस बी वेक्टर को या तो खींचेगा या छोटा करेगा या उल्टा करेगा, ठीक है। इन तीन केस में मैं इसको ए वेक्टर के बराबर बना सकता हूँ, जैसे फिलहाल शायद मुझे इसे खींचने की जरूरत हो, तो लैम्डा की वैल्यू 1 से बड़ी ली जाएगी, 1 से बड़ी लीजिए। अगर लैम्बडा नेगेटिव हो जाएगा तो बी वेक्टर दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्बडा आई कैन ऑल मतलब आई कैन ऑलवेज फाइंड सम स्केलर वैल्यू ऑफ लैम्बडा जिसे बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करके आई कैन क्रिएट एक्चुअली ए वेक्टर, कभी खींचने की, कभी छोटा करने की या कभी पलटने की, इससे ज़्यादा तो और किसी जरूरत पड़ेगी नहीं अगर ये वैक्टर्स कोलिनियर हैं तो। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। इफ लैम्बडा इज ग्रेटर देन 0, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कॉल्ड लाइक पैरेलल वेक्टर्स। एंड इफ लैम्बडा इज लेस देन 0, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स, जिसे आप लोग इतनी देर से एंटी पैरेलल कर रहे थे। कोई भी चीज समझाने की जरूरत हो तो आप बता दीजिएगा। सेकंड नोट नोट एन टू नोट टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ये तो बहुत अच्छी चीजें हैं। कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, कि लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स के ब्रैकेट में एक बात लिख सकते हैं आप, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स के ब्रैकेट में लिख रहे हैं। ऐसे ब्रैकेट में लिखने का मीनिंग समझ में आता है कभी कभी आपको? हम शायद उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, तब हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं किसी चीज को। तो लिखा क्या था? कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स के ब्रैकेट में लिख रहे हैं व्हेन वन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड, व्हेन वन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ अदर। इक्री जी आपको बोला पहले किसी ने? बोला के भी तो बताओ पहले। नहीं नोट्स बहुत खूबसूरत बनाने लग गए आजकल आप। थैंक यू। नहीं मैंने पूछा कुछ क्वेश्चन कुछ और था गुलाबचंद, आपको पहले भी किसी ने बोली क्या बात? याद तो है एक्चुअली। मैं तो सुनना चाह रहा था एक्चुअली, मैंने बोला था भाई थोड़े दिनों पहले। हाँ मैं भूल गया भाई साहब, मैं बोल चुका हूँ स्टेटमेंट पूरा। वेन वन क्या लिखाया है यार? हाँ हाँ वेन वन वेक्टर कैन कैन नॉट, कहाँ से आ गया? कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ अदर। तुमने जेरोक्स तो नहीं बेची अपनी? तो बेच मत देना भाई साहब, वो तो मतलब उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी भाई साहब। सारे वर्ड एक जैसे हैं, मतलब लिटरली, मतलब सिमेट्री, आप तो सिमेट्रिसिटी देखो भाई, कसम से सब कुछ सेम है, सब कुछ पूरा। वैसे लगता है कि हाँ कुछ लिखा हुआ है। कोलिनियर वेक्टर्स, ये तो मेरी भी मतलब एकदम सुपरलेटिव डिग्री है। मैं तो फिर भी चलो एक आध दो लेटर तो समझ में आते हैं। है
क्या लिखा रहे थे हम, नोट टू हो गया ना, नोट थ्री। तुमने दोबारा पढ़ने की कोशिश करी कभी अपने नोट्स, रिवीजन किया हो कभी? किया है? चमक जाता है, नाइस है, गुड टैलेंट। कोलिनियर वेक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड लीनियर डिपेंडेंट। कितनी बार लिखोगे भाई? लिख लिया, नोट थ्री लिखो। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर थ्यू, आर थ्यू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, आर थ्यू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, क्या इफ टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, इफ लिखा क्या हमने शुरू में, इफ लिखा है, इफ हटा दो, गिवन लिखो, गिवन क्वेश्चन बना दे, क्वेश्चन 10 नंबर का, 10 का तो नहीं, चलो 4 नंबर का बनाए थे, हैं? हाँ हाँ नोट ही है, बट क्वेश्चन की तरह से लिख लेते हैं, क्या चक्कर है, अपनी तो कॉपी है भाई। गिवन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स एंड एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, इफ विद एन एक्स्ट्रा एफ, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जीरो। ट्रू फॉल्स नहीं पूछ रहा हूं, यही क्वेश्चन है, इफ आ गया ना, प्रिंटिंग मिस्टेक के साथ इफ आया ना, इसका मतलब क्वेश्चन है। और यार तुम लोग कैसे गेल से पे हो यार। अच्छा मैंने बीच में कहीं सू दैट नहीं बोला एक्चुअली, हाँ बिना सू दैट के कैसे क्वेश्चन होगा, सही बात है। हाँ तो इट्स क्वेश्चन ऑफ सूना, ठीक है, कुछ सू करना है, ठीक। अब क्या है वो सुन लो, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर कोई दो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ठीक है, और अगर इस तरह का कोई स्टेटमेंट या इस तरह का कोई लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, अगर आप दूसरे कलर का पेन यूज करते हैं मेरी तरह, तो आप इसके नीचे ऐसे लिख सकते हैं, इट्स अ लीनियर कॉम्बिनेशन, इसे लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जहां पे मैंने कुछ स्केलर से मल्टीप्लाई करके इनको ऐड किया और जीरो के बराबर लिख दिया, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, तो इसे बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। भाई साहब अगर वो दो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, तो इस तरह का कोई लीनियर कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ, इसका मतलब वैसे सिर्फ और सिर्फ ही होता है वैसे, लेकिन हम थोड़ा ज्यादा तड़का डाल रहे हैं, सिर्फ और 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 सिर्फ, तभी हो सकता है जब एक्स और वाई दोनों जीरो। तो अगर इसे प्रूव करना है तो दो तरीके से करना पड़ेगा, एक तो इसे ट्रू मान के इसे ट्रू, तो गेल रहे हैं जो प्रूव करेंगे, उन्हें तो चौथा ही नंबर भी नहीं मिलना चाहिए चार में से, बल्कि काट और लेना चाहिए। अबे चंपू तूने दोनों जीरो मान के इसे क्या प्रूव कर लिया, दोनों को जीरो मान के उनका कद्दू प्रूव किया तूने। तो बेसिकली इसे लेके और जो कंडीशन थी ए और बी कोई दो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, उनको लेके ये प्रूव करना कि एक्स वाई मस्ट बी जीरो है, उस बात का नंबर है। मेरी बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? इसे जीरो मान के तो इसे क्या प्रूव करूंगा यार, बचा क्या उसमें? इफ एंड ऑनली इफ का मतलब होता है ना, दोनों साइड से करना है यार, भूल जाते एक तो, इसे ट्रू मान के इसे सत्यापित करना और इसे ट्रू मान के इसे सत्यापित करना, सत्यापित वेरीफाइड या प्रूफ जो भी पता नहीं। लो तो उल्टा प्रूफ कर रहा हूं, उल्टा नहीं सीधा, सॉरी है ना, ये कंडीशन गिवन है और क्या गिवन है, ए और बी कैसे हैं, नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। तो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, जैसे ए वेक्टर इधर हुआ और बी वेक्टर कहीं ऐसा, तो ये दो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हो गए,
कोलिनियर का मतलब यहां समझाया जा चुका है, पैरेलल या एंटी पैरेलल टाइप के होने चाहिए, ठीक है। हाँ क्या लिख रहा था मैं यहां पे, हाँ अगर मुझे ये प्रूव करना है, ये दिया हुआ है एक्स ए वैक्टर प्लस वाई बी वैक्टर इज इक्व टू जीरो गिवन है। सपोज इसे कहते हैं प्रूविंग बाय कॉन्ट्राडिक्शन, सपोज एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो क्वांटिटी, थोड़ी देर के लिए मान लिया हमने एक्स एक नॉन जीरो क्वांटिटी है। अगर एक्स एक नॉन जीरो क्वांटिटी है तो ए वेक्टर को लिखा जा सकेगा माइनस टाइम्स वाई बाय एक्स बी वेक्टर, नहीं समझ में आ रहा। अरे अगर एक्स को नॉन जीरो माना गया तो एक्स से डिवाइड कर सकते हो ना भाई साहब, इसे लैम्बडा मान लिया, लैम्बडा बी वेक्टर है। इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि ए वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ, ये सिर्फ तभी होल्ड करता है जब ए और बी कोलिनियर। आप लिख ही तभी सकते, अरे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके आप अगर उसे ए वेक्टर के बराबर कर रहे हो तो यानी या तो वो उसी की डायरेक्शन में या वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा बी वेक्टर मैं सिर्फ तभी लिख सकता हूं जब वो दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं, ठीक है। तो इसके नीचे मैंने क्या लिखा, दिस इंप्लाइज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर विच इज अ, अरे तुम लोगों ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है कभी, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस आर सपोजिशन वॉज रॉन्ग, हेंस अगेन एक्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो। मास्टर तो एक्स ही जीरो प्रूव हुआ है, हाँ तो दोबारा करेंगे ना भाई साहब, अभी तो डेढ़ ही नंबर मिला है तो दो की और फाइड, दो नंबर और कमाएंगे ना। सिमिलरली पौने दो मिल गया यार, चौथा ही उधर मिला था ना, दो हो गया, दो नंबर और कमाएंगे कैसे। सिमिलरली वाई नॉट इक्वल टू जीरो, अब वो उसको मैं करके नहीं बता रहा यार, सेम है यार, कुछ तरस खाओ यार मेरे तर... अच्छा हाँ सॉरी, एक्स जीरो यहीं रख दो तो दो नंबर तो कम नहीं हो गए फिर, हाँ ठीक है एक्स जीरो यहाँ ठोक दो, वाई को जीरो होना ही पड़ेगा क्योंकि बी वैक्टर तो नॉन जीरो वेक्टर है, ये भी सही है, नाइस हाँ मिलेंगे बिल्कुल यार, तो वैलिड है। सर देखो ये 100% मजाक की बात है, एनसीईआरटी की औकात ही नहीं है, इतनी नहीं है। लीनियरली डिपेंडेंसी और लीनियरली इंडिपेंडेंसी तो बहुत बड़ी बात होगी, अरे इतनी ऑक्सी नहीं है। हाँ सुनो तो क्या चल क्या रहा था ये बताओ पहले, हाँ ये तो हो गया, तो x और y इनको क्या होना पड़ेगा जीरो, ठीक है। तो अब एक बार वो कर देते हैं, हैं समराइज्ड संक्षिप्त और उल्टा, तो पहले प्रूव कर देवी सबसे पहले बोलो चौथा ही नंबर जिसका बोला, अगर x और y जीरो दिए हैं तो इसको प्रूव करके दिखाऊं है क्या मिला था चौथा ही नंबर, उसमें नहीं रहती ये फिर टंगी पड़ी अब तक, साले देखते हैं उल्टा कैसे करता है, उल्टा तो पहले ही बताया था उल्टे का तो कोई नंबर ही नहीं हो सकता, मतलब उल्टा तो वैसे मजाक है भाई। लो सुनो संक्षिप्त में क्या क्या, ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर कोई दो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो उनका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के बराबर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब उनके सभी कॉफिशेंट जीरो के बराबर। ये सभी वो भी ऐसे क्यों बोल रहा हूं मैं, कल को अगर दो से ज्यादा भी दिए जाएंगे तब भी ठीक है, तब भी। लेकिन एक छोटी सी लास्ट में दो चार ग्राम बातें कर लेते हैं कोलिनेरिटी की, थोड़े बड़े हो जाएंगे तो कोप्लेनेरिटी की, अभी फिलहाल सिर्फ कोलिनिटी की बात कर रहे हैं। अगर कभी भी कोलिनियरिटी की बात आएगी तो दो वेक्टर से कम की नहीं आ सकती, क्योंकि पहली बात वन वेक्टर कंप्राइजेस ऑफ टू पॉइंट्स, एक वेक्टर के पास कितने पॉइंट हैं दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं।
वन इज इनिशियल पॉइंट एंड द लास्ट इज टर्मिनल पॉइंट, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज टर्मिनल पॉइंट. तो हमेशा एक वेक्टर दो पॉइंट के साथ में आता है आपके पास, और दो पॉइंट की कोलिनिटी की बात करना इलॉजिकल है, यानी कि एक वेक्टर कोलिनियर है, ये तो नॉनसेंस स्टेटमेंट. कोलिनिटी की कभी भी चर्चा करी जाएगी, दिया जाएगा या पूछा जाएगा, तो हमेशा दो वेक्टर होंगे मिनिमम. ठीक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बहुत सिंपल सा, ठीक है, जिसमें मैंने हिंट भी दे दी. अ वेक्टर कॉन्स्टिट्यूट टू पॉइंट्स, टू वेक्टर्स विल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ हाउ मेनी पॉइंट्स? दो वेक्टर्स के पास कितने पॉइंट्स होते हैं? दो डिस्टिंक्ट वेक्टर्स के पास, सॉरी, इफ यू हैव टू डिस्टिंक्ट वेक्टर्स, हाउ मेनी पॉइंट्स यू विल हैव? फोर. ये आम थोड़ी बेच रहे हो तुम, 2 रुपए के 5 आम, 10 रुपए कितने गधेड़ो, यूनिटरी मेथड थोड़ी लगे यहाँ पे. एक वेक्टर का दो पॉइंट, दो वेक्टर का चार, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी पूछते हैं कोई बेवकूफ. ये दो डिस्टिंक्ट वेक्टर है. अभी आपको इनके पास चार पॉइंट दिख रहे हैं, लेकिन मेरे को इन चार पॉइंट से कोई लेन देना नहीं है. यू जुपाप, मैं तो इन्हें ला कैसे मिला दूंगा? तीन पॉइंट, एक तो ये और दो इनके टिप. तो टू वेक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट ऑफ थ्री पॉइंट्स. और कभी भी कोलिनियरिटी की बात तीन पॉइंट से कम में कैसे हो सकती है यार? ये तो लॉजिकल बात ही नहीं है ना. तीन पॉइंट पे ही तो कोलिनियरिटी की बात पूछी, दो पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होते हैं, इसलिए एक वेक्टर का कोलिनियरिटी का भी क्वेश्चन नहीं बनेगा. कोलिनियरिटी का क्वेश्चन हमेशा दो वेक्टर्स के बनेगा. क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ये बात मैंने क्यों करी? ये बात मैंने चर्चा में इसलिए लाया, अगर पोजीशन वेक्टर के कोलिनियरिटी की बात होगी किसकी, तो तीन से चालू होगी. तो किससे चालू होगी? तीन से. वेक्टर के कोलिनियरिटी की बात दो वेक्टर से आएगी, लेकिन पोजीशन वेक्टर के कोलिनियरिटी की बात तीन वेक्टर से आएगी. क्यों? तीन पोजीशन वेक्टर से आएगी. क्यों 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 जल्दी? क्योंकि हर पोजीशन वेक्टर के पास एक ही पॉइंट होता है. हर पोजीशन वेक्टर के पास एक ही पॉइंट होता है. वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट पोजीशन वेक्टर, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द टिप. नहीं चमका, हम सिर्फ टिप में इंटरेस्टेड है, टेल में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि टेल हमेशा ओरिजिन है. अगर पोजीशन वेक्टर का कभी कोलिनियरिटी का क्वेश्चन आएगा तो तीन पॉइंट से कम नहीं आ सकते. तीन पॉइंट आएंगे डेफिनेटली. इस तरह से तीन पॉइंट कोलिनियर हो सकते हैं. अब वो अभी तो कोलिनियर कैसे होंगे, तो सेम लेंथ के सर्कल बनाएंगे ना गुलाबचंद, भावनाओं को समझो ना. टॉमी टच कौन पे रखो तो कोलिनियर हो जाएंगे. हाँ हाँ कोलिनियर बना सकते हैं भाई तीन पॉइंट, लेकिन वो तीन ओरिजिन पे नहीं आएंगे ना अगर ऐसे रख लूंगा तो. यही तो समझा रहा था कि सेम लेंथ के हैं, कोलिनियर पॉइंट कैसे दिखाऊंगा. अब तीन ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे मान लो, तो ऐसे 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 कोलिनियर हो सकते हैं. ठीक है, लेकिन मैं जो समझाना चाह रहा था वो समझ लो बट ढंग से. वैक्टर की डील कभी भी कोलिनियरिटी की आएगी तो दो वैक्टर से स्टार्ट होगी, और पोजिशन वैक्टर की डील आएगी तो तीन से स्टार्ट करनी पड़ेगी. दो पोजिशन वैक्टर कोलिनियर अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर तो बम्पर बोनस है, वो तो कोलिनियर ही है, क्योंकि दो पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होते हैं. बात को समझो, दो पोजीशन वेक्टर के पास तीन पॉइंट नहीं है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट हमेशा ओरिजिन है. हम सिर्फ टर्मिनल पॉइंट में इंटरेस्टेड होते हैं पोजीशन वेक्टर के केस में. बेसिकली वो तो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, कोऑर्डिनेट गिवन इन वेक्टर फॉर्म. नॉर्मली तो कोऑर्डिनेट ही होते थे. तो अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो कोलिनियरिटी का क्वेश्चन आएगा तो तीन पॉइंट का ही तो आएगा भाई साहब. तो वेक्टर के केस में दो का ही क्यों आ रहा है, क्योंकि दो ने तीन पॉइंट दे दिए. क्लियर है?